सहारनपुर में बीते दिन 546 केस कोरोना पॉजिटिव मिले और जहां तक हमें पता लगा 7 से 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार सहारनपुर में अब तक 152 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना से। और पिछले संडे हमने आपको दिखाया था कि किस तरह नगर निगम द्वारा जो अंबाला रोड पर शमशान घाट है वहां पर 2 कोरोना मरीजों के लिए अलग से स्थल बनाया गया जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसे ही सहारनपुर का एक नुमाइश कैंप एरिया है जहां पर शमशान घाट है, यहां पर लोगों ने विरोध किया कि यहां पर हम कोरोना का मरीज नहीं फूकने देंगे। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो मुंशी हैं, उनसे हम बात करेंगे। पूरन जी से क्या कुछ मामला रहा, लोगों ने क्यों विरोध किया? यहाँ बाहर बनने के लिए विरोध किया लोगों ने, मोहल्ले वालों ने। क्या दिक्कत थी? बाहर नहीं बनने देंगे, अंदर आप फूकिए, अंदर फूक रहे, ऑलरेडी फूक रहे हम, वो तो अलग से बनाना चाहते थे यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ मना कर दिया उन्होंने, यहाँ नहीं बनेगा, अंदर जहाँ मर्जी बनाइए। आपके क्या हाल है, रोजाना कितनी बॉडी आ रही है आपके पास? 3 कल आई है, एक आज आ रही है, एक परसों आई है, एक दो रोज ही आ रही है। मतलब क्या हमारे पास संसाधन है पूरे की जो जरूरत हमें पड़ती है, चाहे वो लकड़ी हो चाहे अदर चीजें हो, हमारे पास सब चीजें हमारे पास है। और कोई दिक्कत आ रही हो यहाँ पर? बस हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लिए मना कर दिया, यहाँ नहीं बनेगा। अब बच्चा पार्क में बनवा दिया तो डीएम साहब ने, तो कैसे मतलब आप हमें बता दीजिए एक बार। अब जो बॉडीज आ रही है कोरोना की उनको हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जो हमारे लवार शेड से जला रहे हैं हम। ये लवारी शेड है, लवार शेड है, लवार कम आती है वहाँ पे बॉडी, अब सब हकीकत जा रही है, इसलिए हम यहाँ जला रहे हैं। तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही थी जो आप बाहर बनाने चले गए उसको? अलग से और बनाने चाहते थे, इनसे अलावा और 2 अलग हो। यहाँ कोई दिक्कत है जैसे आपने बताया? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो इससे अलावा और चाहते थे 2 और बोले, जो हमने वहाँ बाहर जगह दी उन्होंने पब्लिक ने ट्राई करा, हम यहाँ बनाने देंगे। पब्लिक ने ऐतराज करा कि हम इस एरिया में कोरोना बॉडी नहीं फूकने देंगे? नहीं नहीं नहीं, वहाँ बाहर नहीं बनने देंगे हम, बाहर नहीं बनने। हाँ, अंदर जो फूक रहे हम ऑलरेडी 1 साल से, पिछले साल भी यहीं फूका हमने। अच्छा। अब उन्होंने बच्चा पार्क बनवाया है, वहाँ शेड नहीं है, अब बिना शेड के हम कैसे चलाएंगे वहाँ पे, मतलब बरसात होती है कैसे चलाया जाएगा, आधी जल जाएगी रह जाएगी, फिर बदबू आ जाएगी उसमें। और बच्चा पार्क दिखाते हैं आपको, जहाँ पर बच्चों के लिए बनाया था आपने, यहाँ बच्चों का शब्द बनाया जाता है। अब हम उस चीज को यूज कर रहे हैं जहाँ बच्चों के लिए था कोरोना के लिए, वहाँ टीन शेड नहीं है हमारे पास, अभी लगाया नहीं किसी के, भी लगाया उन्होंने अभी तक। तो हमारे पास जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं जिनकी डेड बॉडी आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है? हमारे क्षेत्र की आ रही है, सब जगह आ रही है। अब तो फिलहाल पीजीआई से आ रही है, पीजीआई से आ रही है, यमुनानगर हो गया, अम्बाला उधर नहीं आती अभी, तो यहाँ से आई है हमारे पिलखनी से आ रही है, ज्यादातर पिलखनी से आ रही है, पीजीआई से। आज जो डेड बॉडी आ रही है वो लुधियाना से आ रही है, मतलब यहाँ बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जगह थी। अच्छा, ये 2 बनाए हैं। जब यहाँ पर लोगों ने विरोध किया कि वो कोरोना बॉडी को यहाँ फूकने नहीं देंगे, तो नहीं वहाँ फूकने नहीं देंगे, तो निगम ने आपके लिए यहाँ 2 बना दिए, लेकिन यहाँ पे शेड ना होने के वजह से नहीं फूक रहे हम, यहाँ शेड नहीं है, शेड नहीं है, शेड नहीं फूक रहे हैं, शेड करेगा अगर बरसात होती कैसे होगा, और बदबू आएगी, परेशानी होगी हमें पब्लिक को यहाँ पे, शेड नहीं होगा, यहाँ नहीं फूकेंगे हम, उधर चलेगा ये। तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ रही है कि जो निगम ने बनवाए है ये उसमें शेड नहीं है, बाई चांस अगर कोरोना बॉडी हम जला रहे हैं और बारिश आ जाती है तो उसकी वजह से एक तो बॉडी पूरी जल नहीं पाएगी और इनका कहना है वो स्मेल भी करेगी जो यहाँ के लोगों को दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ रही है। जगह नहीं थी, 2 कोरोना फूकी हमने। अच्छा, जो नॉर्मल बॉडीज थी विदाउट कोरोना वो आपने यहाँ? 12 बॉडी थी बस, पूरी फुल हो गई थी, और 3 बॉडी, 2 बॉडी हमने कोरोना की फूकी हुई थी, और अगर हो जाती हमारे लिए दिक्कत जाती है, कहाँ फूकते उसे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहा नहीं कि हमें बाहर जगह मिल जाए शहर से बाहर या आउटर पे? नहीं वो नहीं कहा, हमें ये जगह बहुत है, इसमें काम जगह बनाएंगे, बाहर को लेकर देता नहीं हम जगह, हमने इतने बना रखी, सब जगह फुल हो रही पड़ी है, मतलब रोजाना 4-5 लोग आ ही रहे हैं। आ ही रहे हैं अभी, सुबह आए हो माधवनगर से। आप देख ही सकते हैं हर शमशान घाट में रोजाना 4 से 5 कोरोना की बॉडीज जा रही हैं। कुछ लोग अभी भी है जो मास्क नहीं पहन रहे, घर से बेवजह बाहर निकल रहे हैं,
उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, घर पर रहे, बेवजह बाहर ना निकले। रुकते नहीं यहाँ पे, हम जाते हैं पुलिस वाले हमें यहाँ पे इंतजाम करें। मतलब जो बॉडी के साथ आते हैं वो 20 से ज्यादा आ जाते हैं? 100 आदमी आते हैं, कल बड़ी मिशन निकाला हमने, कल इंदिरा कैंप से आए थे कंजर। जबकि गाइडलाइन ये है कि अगर कोई शव के साथ आता है तो 20 लोगों की परमिशन है, लेकिन इनका कहना है 100 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं जी, कल भी आए हैं, बाहर जब से बाहर निकाला हमने। सबके अंदर होती है एंट्री, सबकी होती है अंदर, लेकिन बाहर जब निकालना पड़ता है माइक पे अनाउंस करना पड़ता है हमें, 20 आदमी ऊपर बाहर निकल जाइए, लेकिन रुकते नहीं वहाँ पे, रुकते नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक तो खुद की भी जान बचानी है और लोगों को भी समझाना है, लोग समझ नहीं रहे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क पहने, अगर काम है जरूरी तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं आपके शहर में भी।